राम मंदिर पर बीएचपी विश्व हिंदू परिषद का बड़ा फैसला, लोकसभा चुनाव तक नहीं उठाएंगे राम मंदिर का मुद्दा। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रियंका के साथ लगे वाड्रा के पोस्टर, महज कुछ घंटों में उतारे गए। महात्मा गांधी के पुतले को गोली मारने वाली पूजा पांडे गिरफ्तार, अलीगढ़ पुलिस ने कुल 13 लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज। जमीनी विवाद के चलते महिला पर मिट्टी का तेल डालकर जलाने की कोशिश। अखिलेश यादव ने देशवासियों के नाम लिखा खुला खत, अखिलेश यादव ने कहा केंद्र सरकार का रवैया संघीय ढांचे की भावना के खिलाफ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन पंडित और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पुलिस ने महात्मा गांधी के पुतले को गोली मारने वाली हिंदू महासभा की पूजा शकुन पांडे को दिल्ली से नोएडा में एंट्री करते वक्त गिरफ्तार कर लिया है। मामले में अलीगढ़ पुलिस ने कुल 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अभी तक इस मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुतले को गोली मारने के मामले में हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पूजा शकुन पांडे को दिल्ली से नोएडा में एंट्री करते वक्त गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पूजा पांडे के साथ उनके पति अशोक पांडे को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अलीगढ़ पुलिस ने कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार किस किस को है, ये फैसला मीडिया करेगा। कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन से हमें कोई शिकायत नहीं, वो मजबूर है, सिस्टम के अधीन। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में सरदार सिन्हा ने आरक्षण बढ़ाने के लिए जन आंदोलन जुलूस निकालकर जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश अध्यक्ष ने आरक्षण पर नारा दिया कि 27 न बटने देंगे, 57 हम लेके रहेंगे। साथ ही घोषणा पत्र में भी पिछड़ों को 57% आरक्षण देने वाले को समर्थन देने को कहा है। एक तारीख को अंबेडकर नगर के शाहजहांपुर अकबरपुर मार्ग पर रिंग रोड से हजारों की संख्या में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आर एस पटेल के नेतृत्व में सरदार सेना के कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों बाइक पर बैकवर्ड आरक्षण बढ़ाने की मांग करते हुए जुलूस आरंभ किया। जन आक्रोश है, उत्तर प्रदेश की शासन ने, योगी सरकार ने, घंटा बजाने वाले सरकार ने पूरी तरीके से पिछड़ों के आरक्षण को बांट कर खंड खंड करके आरक्षण प्रभावी न हो सके इसलिए बर्बाद करके उसको नष्टनाबूद करने का काम किया है। उसी तरह केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालयों में 13% रोस्टर लगा करके दलितों पिछड़ों को विश्वविद्यालयों से पूरी तरह नष्टनाबूद करने का काम किया है। सरकार के विरोध में हमारे जन आंदोलन है, बैकवर्ड आरक्षण बढ़ाओ जन आंदोलन। हड़ताल पर योगी सरकार की रोक के बावजूद भी आज यूपी के गोंडा में राज्य कर्मचारियों ने ताल ठोक कर हड़ताल कर दी है। आक्रोशित कर्मचारियों ने रजिस्ट्री, चकबंदी, वाणिज्य, कोषागार, आरटीओ सहित दर्जनों कार्यालयों के कर्मचारियों को बाहर निकालकर तालाबंदी की है और काम बंद कर दिया है। सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन भी किया। जनपद पीलीभीत के थाना न्योरिया क्षेत्र में 31 वर्षीय युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गांव गिधौर के रहने वाले सुरेश कुमार और महेश गांव की ही एक युवती लक्ष्मी से गाली गलौज कर मारपीट कर रहे थे। उसी की चीख पुकार सुनकर जब उसका भाई वीरेंद्र कुमार बचाने के लिए पहुंचा तो सुरेश और महेश ने उसे भी डंटों से, सरिया से, बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया और उसे बेहोशी की हालत में छोड़कर भाग गए। वहीं परिजन आनंद-फानंद में बेहोश वीरेंद्र को लेकर न्यूरिया सीएचसी पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और गांव में सन्नाटा पसर गया। वहीं घटना के बाद से ही मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है असम से। असम के तिनसुकिया में पुलिस ने अपनी बहू के साथ अत्याचार कर मौत के घाट उतारने के आरोप में एक ही परिवार के 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पीड़ित के रिश्तेदार ने आरोप लगाया है कि ससुराल के पक्ष के लोग आए दिन दहेज की मांग करते थे, जिससे
पूरी ना होने पर वो पीड़िता के साथ मारपीट करते थे। मारपीट के दौरान पीड़िता को इतनी गंभीर चोटें लगाई गई जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। सनोप श्री श्रवण भागुका के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ हुआ था, किंतु शादी वाला दिन से ही ये लोग दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। ये लोग इसका सास बूढ़ी, जो मेरी दीदी का सास बूढ़ी, वो बोल रहा है मुझे डायमंड का सेट चाहिए, हम लोग को किस पैसा चाहिए, नहीं तो हम लोग शादी नहीं करेगा। और वो पहले बोल रहा था कि हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, बाद में फिर बोल रहा है कि हम लोग को ये इतना इतना सामान चाहिए, नहीं तो हम लोग शादी नहीं करेगा। तो जैसे शादी का दिन इन्होंने बोला है कि डायमंड का अगर सेट नहीं देगा हम लोग शादी कैंसिल कर देंगे। तो हम लोग डिमांड फुलफिल करने में असमर्थ था इनका, तो फिर भी जैसे तैसे करके इनकी डिमांड पूरी करने की हम लोग कोशिश की, किंतु मेरे पिताजी पूरा उस दिन सदमा में आ गए और इनकी डिमांड पूरी, जितनी जो डिमांड किया था उतनी डिमांड पूरी करने में असमर्थ थे। पिताजी को उसी दिन ब्रेन स्ट्रोक हो गया, जो पिताजी एक साइड वन साइड पैरालिसिस हो गया, किंतु फिर भी मेरे परिवार वालों ने मिलके शादी जैसे तैसे कर दी थी। करने के बाद कुछ दिन बाद फिर वापस से वही टॉर्चर, मानसिक और फिजिकली उसको मारना स्टार्ट कर दिया। थाना श्री ब्रह्म प्रकाश बंसल बिली एजन लोके कह दिले जे भनी किरण भागुका भनीयेक विशे तीनचुकिया पर्वतिया निवासी श्री विकाश भागुका विशे और विर पिछले अत्याचार करें डिमांड कर ढला थाना एफ आई आर लॉन्च कर कारण ढला थाना एक केस रेजिस्टार होती कि इतिम्य पी ओ तो तीनचुकिया थाना अंतर्गत हुआ हेतु ढला थाना केस तो आम तीनचुकिया थाना। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के महेशगंज कोतवाली इलाके में विद्यालय के पास पानी से भरे तालाब के किनारे नवजात बच्ची मिली है। जानकारी मिलते ही विद्यालय के हेडमास्टर मौके पर साथियों संग पहुंचकर नवजात बच्ची को तालाब से निकलवाया और निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, साथ ही पुलिस को सूचित किया गया। आपको बता दें कि इस नवजात को अपनों ने महज इसलिए मौत के मुंह में धकेल दिया क्योंकि वो एक बेटी है। आज सुबह जब मैं कार्यालय आया, जैसे ही मैं बैठा था, यशो महेशगंज की कॉल आ रही थी, तो मैंने देखा उनके द्वारा अवगत कराया गया कि एक नवजात शिशु महेशगंज में प्राप्त हुआ है। हमने उनसे जानकारी चाहिए कि किस गांव में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशन लाइव। नमस्कार।